गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। इट्स योर ईवीएस क्लास, सो लेट्स स्टार्ट इट। डियर स्टूडेंट, हमने लेसन 9 पेज नंबर 43 तक रीड किया था, तो आज हम 44 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इट। लेट अस नाउ लर्न टू मेक आ चपाती। तो अब देखते हैं कि हम चपाती बनाने के लिए क्या क्या स्टेप यूज़ करते हैं। फर्स्ट है, टेक सम फ्लोर इन अ डीप बाउल। कुछ आटा लो एक गहराई वाली बाउल में। सेकंड, मेक अ होल इन द मिडल एंड ऐड सम वाटर। उसके मिडल में एक होल बनाओ और उसमें कुछ पानी डालो। मिक्स वेल बाय हैंड नीडिंग इट इनटू अ डफ। इसको अपने हाथों से आपने किडिंग करनी है ताकि थोड़ा मुलायम हो जाए। रब अ लिटल ऑयल और घी ऑन योर पाम एंड नेट द डफ इनटू स्मॉल बॉल्स। अपने हाथों में थोड़ा सा घी या ऑयल लगाओ ताकि जो आपकी आटे की हैं वो स्मॉल बॉल्स इजीली बन सकें। फोर्थ है, यूजिंग अ रोलिंग पैन रोल आउट द डफ बॉल इनटू अ थिन सर्कुलर पैटी। एक रोलिंग पैन की यूज़ से आप लोगों ने इसको बेलना है और इसको पतला कर लेना है। फिफ्थ है, हीट द ग्रिडल यानी कि तवा। तवा पे आपने इसको हीट करना है एंड पुट द पैटी ऑन इट टू कुक। जो आपने बेली हुई रोटी है उसको उसके ऊपर बनने के लिए रख देना है। टर्न द पैटी ऑन द अदर साइड व्हेन अन साइड इज स्लाइटली ब्राउन। जब एक साइड ब्राउन हो जाती है तो उसके दूसरी साइड को पलटा मार दो। सिक्स्थ है, योर चपाती इज़ रेडी फॉर ईटिंग। तो आपकी जो चपाती है वो रेडी हो जाती है खाने के लिए। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ सम फूड आइटम्स। कुछ फूड आइटम्स की प्रिपरेशन के बारे में रीड करेंगे। वी हैव सीन दैट सम फूड आइटम्स आर कुक्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। सम आर फ्राइड एंड सम आर बॉइल्ड। किसको हम फ्राई करते हैं और किसी को हम बॉईल करके बनाते हैं। सम आर बेक्ड एंड सम आर रोस्ट। किसी को हम बेक करते हैं और किसी को हम रोस्ट करके बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके घर में कुछ खाना है जो उसको आप तड़का लगा के बनाते हो यानी कि फ्राई करके बनाते हो, और कुछ को आप बाउल करके यानी कि उबाल के बनाते हो, और कुछ को आप रोस्ट करते हो। लेट अस नो हाउ टू प्रिपेयर सम फूड आइटम विदाउट कुकिंग। तो अब हम देखेंगे कि विदाउट कुकिंग हम कुछ फूड आइटम्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है, मेकिंग मूंग सीड स्प्रॉट। मूंग सीड बनाने के लिए क्या क्या स्टेप हैं। फर्स्ट है, सोक होल मूंग सीड इन वाटर ओवरनाइट। रात के समय इसको पानी में भिगो दो। रॉप द सेक मूंग सीड इन अ वेट क्लोथ इन द मॉर्निंग। घर में आपने इसको एक कॉटन के या कोई भी आपको क्लॉथ मिलता है पीले कपड़े में मिक्स कर लेना है और इसको मॉर्निंग टाइम रैप करना है। नेक्स्ट है, आफ्टर आ डे मूंग सीड्स प्रॉड एड सॉल्ट लेमन जूस एंड स्पाइस टू इट। और मॉर्निंग टाइम आपने क्या करना है, इसमें साल्ट डालना है, लेमन जूस डालना है और स्पाइसी बनाने के जो जो आप यूज़ करते हैं वो डालने हैं। अ टेस्टी स्नैक इज़ रेडी। एक टेस्टी स्नैक रेडी हो जाएंगे। सेकंड है, मेकिंग लेमोनेड। लेमोनेड कैसे बनाते हैं। मिक्स शुगर इन वाटर। शुगर में पानी मिक्स करो। नेक्स्ट, ऐड लेमन जूस। लेमन जूस को ऐड करो, स्ट्रेन इट, इसको हलाओ। लेमोनेड इज़ रेडी। लेमोनेड बन जाएगा। थर्ड है, मेकिंग अ सैंडविच। सैंडविच कैसे बनता है। स्प्रेड सम बटर ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के ऊपर आपने कुछ स्लाइसेस हैं वो बटर की लगा लेनी है। कट टोमेटो एंड ककम्बर इनटू थिन स्लाइसेस। आप लोगों ने ककम्बर और टोमेटो को कट कर लेना है, थोड़ा बारीक कर कट करना है। प्लेस द टोमेटो एंड ककम्बर स्लाइसेस ऑन अ ब्रेड स्लाइस। पुट द अदर ब्रेड स्लाइस ओवर इट। इसको सबको आपने फिल करके उसके ऊपर जो अदर पार्ट है उसको ब्रेड का अदर पार्ट भी रख देना है। योर वेजिटेबल सैंडविच इज़ रेडी। तो आपका ये वेजिटेबल वाला सैंडविच है वो रेडी हो जाएगा। मेकिंग चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क कैसे बनाएं। मिक्स शुगर इन मिल्क। दूध में
शुगर को मिलाना है आपने। ऐड कोको पाउडर टू इट, इसमें कोको पाउडर मिक्स करना है, मिक्स इट, इन दोनों को मिक्स करना है। योर चॉकलेट मिल्क इज़ रेडी, तो आपका चॉकलेट मिल्क रेडी हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने भी अपने घर पे ये सारे ट्राई करके देख सकते हो, जैसे आप मिल्क बनाते हो उसमें चॉकलेट कैसे मिक्स करते हैं, जैसे गर्मियों में आप लेमनेड पीते हो तो उसको कैसे बनाया जाता है, सैंडविच कैसे बना सकते हैं, आप इनको अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो स्टूडेंट, योर बुक वर्क इज़ गेट कम्प्लीटेड, देन टुमारो आई विल सेंड यू अ पीडीएफ ऑफ बुक वर्क, यू हैव टू फिल इट इन योर